सो एस्पिरेंट्स, इस लेसन में हम डिस्कस कर लेते हैं आगे का पॉलिटी में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें राज्यपाल पढ़ लेते हैं। राज्यपाल के बारे में क्या क्या लिखा गया है हमारे पॉलिटी की बुक में, संविधान में। दोस्तों, 7th संविधान संशोधन, 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1956 में, उसमें ये कहा गया कि एक व्यक्ति जो है वो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। मतलब ये कि जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो, उसे कोई अतिरिक्त कार्यभार भी दिया जा सकता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कई कई राज्यपालों को इस प्रकार से दिया भी जाता है। गाइज, हम देखो, हमने वो सब खत्म कर दिया है। सेंट्रल वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं पहले, अब सारा स्टेट वाला पार्ट पढ़ेंगे। और सेंटर और स्टेट में कुछ फर्क नहीं है। अगर आपको सेंटर समझ में आ गया तो स्टेट D2 वही है, वही पढ़ना है, वही सब कुछ वही है। केवल फर्क इतना होगा, राष्ट्रपति की जगह यहाँ पर राज्यपाल होंगे, प्रधानमंत्री की जगह यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे, संसद की जगह यहाँ पर विधानमंडल होगी, लोकसभा की जगह यहाँ पर विधानसभा होगी, और राज्यसभा की जगह यहाँ पर कुछ राज्यों में विधान परिषद होगी। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ ज्यादा आपको समझाऊंगा भी नहीं और ध्यान भी नहीं दूंगा। रीजन ये है क्योंकि हम सब वही पढ़ चुके हैं, सेम D2 वही वो कब हुआ है, जो कुछ डिफरेंस होगा मैं बस वही डिस्कस करूंगा यहाँ पर। और अगर कोई आपको समझ में नहीं आए कहीं पर आप पढ़े हैं, तो अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और मुझे मैसेज करिएगा पर्सनली, मैं आपके रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो गाइज, सेम वही है जो राष्ट्रपति के जी के बारे में था, राज्यपाल के बारे में सेम वही है। 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1956 में, उसमें एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, ये कहा गया। दूसरी बात, ये राज्यपाल जो होते हैं इनका संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा चुनाव नहीं होता। आपने देखा होगा, आपने कभी किसी राज्यपाल का चुनाव नहीं किया, ये केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कहेगी उसे राज्यपाल बनाया जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं होते। देखो दोस्तों, केंद्र सरकार के अधीनस्थ होने का मामला मतलब ये होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी बातें मानेंगे, उनके उनके नीचे काम करेंगे। राज्यपाल के पद की कुछ शर्तें होती हैं, वो सिंपल बातें वही होंगी जो राष्ट्रपति के, और उसमें डिफरेंस ये हो जाएगा कि वो सेंट्रल सेंटर से संबंधित हो और ये स्टेट से संबंधित होगा। तो राज्यपाल के पद की शर्तें जो होंगी वो राष्ट्रपति से ही आप वहां से देख लेते हैं, सिंपल वही है। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि सेम वही है, D2 वही है, वही पढ़ना है आपको। ठीक है, राज्यपाल की पदावधि भी वही है, राज्यपाल की शक्तियां और कार्य वही, इसका जो राज्यपाल है उसकी पदावधि का मतलब वही 5 साल है, और ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं अपना मृत्यु के, अगर इनकी मृत्यु हो जाए तो वो पदावधि समाप्त हो जाती है। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य की बात कर सकते हैं, कार्यकारी शक्तियों वही, कार्यकारी शक्तियों में वही है, सारी शक्तियां वही है। वो सेंटर से रिलेटेड थी राष्ट्रपति की, अब राज्यपाल से रिलेटेड किसकी होंगी, स्टेट की। ठीक है, तो एक जो इम्पोर्टेंट है राज्यपाल से संबंधित में वो है PSC, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं किसी भी स्टेट के, उनके सदस्यों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति, नियुक्ति राज्यपाल करता है और केवल राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। मतलब ये होता है कि PCS जो होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं किसी भी स्टेट के, तो जो लोक सेवा आयोग होती है उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा स्टेट में, और उनको जो हटाने का काम होगा वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। दूसरी विधायी शक्तियां होती है, विधायी शक्तियों में एक ये है कि जो विधान परिषद के 1/6 सदस्य होते हैं उनको नामित करता है राज्यपाल। और दूसरी चीज, ये जो सदस्य होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा, इन सब से नामित किए जाते हैं। दूसरी चीज होती है वित्तीय शक्तियां, वही फाइनेंशियल होती है, वही कोई विधान विधेयक किसकी सहमति से रखा जाएगा। न्यायिक शक्तियां हैं, वही की जो कोर्ट है उनसे किसी भी विषय पर सलाह मांग सकता है। और क्षमादान शक्तियां हैं, वही कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, और सभी जैसे कि जो अन्य सजाएं होती हैं उनमें राज्यपाल जो है शक्तियों जो सजा है उसको कम कर सकता है। देखो केवल दो चीज में डिफरेंस है, क्षमादान की शक्तियों में राष्ट्रपति और राज्यपाल के भीतर की, भाई ये जो कोर्ट मार्शल है अगर किसी का सैन्य अदालत ने सजा दी है तो उसको माफ नहीं कर सकते, और मृत्युदंड अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसकी सजा को माफ राज्यपाल नहीं कर सकते, वो केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बारे में हम सेम वही है जो प्रधानमंत्री के बारे में, इसमें वही पढ़ना है जो प्रधानमंत्री के बारे में हमने पढ़ा था सेंट्रल पार्ट में, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में सेम चीजें पढ़नी है, तो मैंने कुछ ज्यादा लिखा नहीं है इसमें। आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी राज्यपाल करेगा, उसमें भी वही था सेम। इसके बाद 74, 73, 74 आर्टिकल से कार्य और शक्तियों की बात कर सकते हैं।
कार्यवर शक्तियां भी वही है कि भाई मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या है, राज्यपाल के संबंध में क्या है, राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या है, तीनों प्रकार की शक्तियां जो है वही प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। तो सब वही पढ़ना है जो कि हमें प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो आर्टिकल 163 है, 164 है, इन 163 में लिखा गया है कि भाई राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा और वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों की ये सब ठीक है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, वही सब है जो प्रधानमंत्री के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इंपोर्टेंस उसको दे नहीं रहा हूँ। जो जरूरी होगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगली चीज है राज्य की मंत्रिपरिषद। इसमें राज्य के जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें कुछ ही राज्यों में हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि किन किन राज्यों में वर्तमान में राज्य मंत्रिपरिषद है। एक तो पहली जो चीज है वो कि मंत्रियों की संख्या जो होती है उसमें किसी भी विधानमंडल में 12 मिनिमम हो सकती है, मिनिमम 12 हो सकते हैं मंत्री, और कुल विधानसभा सदस्यों का 15% मैक्सिमम हो सकते हैं इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। मतलब ये कि किसी विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो उनका जो 15% है मैक्सिमम, 30 जो मंत्री हो सकते हैं वो टोटल हो सकते हैं इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। ये लाया गया था 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा। उसमें ये प्रोविजन लाया गया कि भाई 15% जो मिनिस्टर्स हैं वो होंगे टोटल विधानसभा सदस्यों का। रीजन ये था कि क्योंकि पहले ये होता था कि भाई किसी को भी बहुत ज्यादा मंत्री रखे जाते थे तो उनके लिए संसाधन रिसोर्सेस की बहुत ज्यादा खर्च किया जाता था और वो सब हमारे जनता के, आम जनता के टैक्सेस से, टैक्सेस का पैसा होता था, तो वो उनका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता था। इस कारण से ये किया गया। 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसमें ये कहा गया कि भाई 15% मैक्सिमम हो सकते हैं। ये याद रखना विधानसभा सदस्यों की बात हो रही है, टोटल विधानसभा सदस्यों की का 15% हो सकता है। दूसरी चीज है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल वही है जो आपने हमने संसद में पढ़ा है, सेम डी टू वही पढ़ना है हमें। इसमें आर्टिकल्स बदल जाएंगे। आर्टिकल 162 से 212 तक राज्य विधानमंडल लिखा गया है और विधानसभा है। विधानसभा में दो चीजें होती है, आपको पता है, विधानसभा और विधान परिषद होती है, जैसे कि सेंट्रल में लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो विधानसभा में जो मिनिमम सदस्य होते हैं वो 60 हो सकते हैं, मैक्सिमम सदस्य 500 हो सकते हैं किसी भी विधानसभा में। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवादों में मैं बात कर सकता हूँ अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की, गोवा की, जहाँ पर 30 विधानसभा सदस्य होते हैं, मिजोरम जहाँ पर 40 सदस्य होते हैं, और नागालैंड जहाँ पर 46 विधानसभा सदस्य हो सकते हैं होते हैं। ठीक है, सिक्किम और नागालैंड में एक प्रोविजन ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव होता है कुछ सीटों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको कि सिक्किम और नागालैंड दो ऐसे स्टेट इंडिया में जो कि अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ पर चुनाव होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि विधानसभा सदस्य जो चुनते हैं, एमएलए जो आप चुनते हैं उसमें आप वोट करते हैं। ठीक है, 18 ईयर से अधिक का युवा वोट करता है। ठीक है, तो लेकिन सिक्किम, सिक्किम नागालैंड में ये होता है कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव होते हैं। दूसरी चीज होती है विधान परिषद। विधान परिषद में ये होता है भाई कि मिनिमम जो होते हैं वो, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पर, मिनिमम जो हो सकते हैं वो 40 सदस्य हो सकते हैं, 400 नहीं है, और मैक्सिमम जो हो सकते हैं विधानसभा की एक तिहाई हो सकते हैं। मतलब ये कि किसी विधानसभा में 300 सदस्य हैं तो एक तिहाई जो होगा उसका वो 100 सदस्य हो सकते हैं किसी भी विधान परिषद में। तो मिनिमम जो होते हैं वो 400 हो सकते, 400 नहीं, 40 है ये, 40 सदस्य हो सकते हैं, और जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो विधानसभा का एक तिहाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो ये विधानसभा जिस पार्टिकुलर हम स्टेट की बात कर रहे हैं उसके एक तिहाई सदस्य विधान परिषद में मैक्सिमम हो सकते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस तरह से होता है, आपने देखा नहीं होगा कि हम विधानसभा या फिर जिस जिस स्टेट में विधान परिषद है उन उनमें सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। एमएलसीज बोलते हैं, जैसे एमएलए होते हैं हमारे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, हम एमएलए का चुनाव करते हैं, वैसे ही एमएलसीज इनको बोलते हैं, विधान परिषद के सदस्यों को। इनमें से एक, जैसे विधान परिषद में टोटल 100 सदस्य हैं तो भाई उसका 1/3 सदस्य जो होंगे वो नगर पालिका, जिला बोर्ड जो उस पार्टिकुलर स्टेट की होंगी उसके द्वारा, उनके उनके द्वारा चुने जाएंगे, 1/3 सदस्य। ठीक है, और 1/3 सदस्य, इन 1/3 सदस्य चुने जाएंगे विधानसभा सदस्यों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बचते हैं 1/3। अब 1/3 में से 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं,
और 1/12 से 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों का, जो कम से कम माध्यमिक स्कूल में, मतलब ये कि माध्यमिक स्कूल या फिर इससे ज्यादा उच्चतर विद्यालयों में अध्यापन करा रहे, 3 वर्ष से अध्यापन करा रहे अध्यापकों द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद के। शेष बचे 1/6 सदस्य, ये कहाँ से आया 1/6 आप मुझे बताइएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ पहले तो, कि एक हिंट दे देता हूँ, 1/3 यहाँ पर जैसे टोटल एक माना है मैंने, तो एक एक का 1/3 यहाँ से चुना जा रहा है, एक 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 का 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जा रहा है। शेष में से एक शेष का एक बड़, जो है उसमें 1/12 3 वर्ष से स्नातक द्वारा चुना जा रहा है, और 3 वर्ष से अध्यापन करा रहे लोगों द्वारा अध्यापकों द्वारा 1/12 चुना जा रहा है। और शेष जो राज्यपाल करेगा 1/6 सदस्यों का नामांकन करता है, मतलब राज्यपाल की तरफ से वो नोमिनेट किए जाते हैं, कि राज्यपाल ये कहेगा कि 1/6 सदस्यों को मैं ये नाम है इनको नोमिनेट करता हूँ। सिंपल वही है जो राज्यसभा में राष्ट्रपति नोमिनेट करता है 12 सदस्यों को, तो उसी प्रकार से इसमें है कि 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नोमिनेट करता है। तो वही है, D2 वही पढ़ना है हमें जो हमने राष्ट्रपति को पढ़ा है, राज्यपाल को पढ़ना है, प्रधानमंत्री को पढ़ा है, मुख्यमंत्री को पढ़ना है, विधान परिषद विधानसभा को पढ़ना है, जो पढ़ना है वो लोकसभा राज्यसभा के बारे में सेम वही पढ़ना है। ठीक है, तो गाइस आज के डिस्कशन में इतना ही, और हमने ये सब डिस्कस किया कि राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, विधान परिषद क्या है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये लेसन आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के डेली अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिट।